नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GSB Fit में। आज बहुत टाइम के बाद मैं बनाने वाला हूँ आज एक ऑफलाइन टेस्टिमोनियल, और जैसा कि आप जानते हैं आई वॉन्ट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू। वी आर हेल्पिंग द एंटायर ग्लोब विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑनलाइन ट्रीटमेंट, ऑनलाइन टेस्टिमोनियल्स। बट मेरा खुद का बड़ा मन था कि मेरा कोई आई बी एस वॉरियर, आई बी एस फाइटर जो हरा के आया आई बी एस को और हम ऑफलाइन टेस्टिमोनियल बनाएं। तो आज अगेन मैं तो बोलता ही रहता हूँ वीडियोस के अंदर, मैं चाहता हूँ जो आज सर हैं, जयव्रत सर हैं, वो है परिचय दें ऑडियंस को कि सर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे सर को आईबीएस हुआ, कैसे सर जुड़े हमारे साथ, एंड हाउ द ट्रीटमेंट वेन। जयव्रत सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसबी फिट में। कैसे हैं आप? मैं अब तो बहुत ठीक हूँ। तो एक बार जो ऑडियंस है चाहती है जानना आपके बारे में कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, और कैसे आपको ये तकलीफ हुआ, और कैसे आपने इसको हराया। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, जैसे आप देख के आए थे वीडियो, अब लोग आपको देख के होने वाले मोटिवेटेड। प्लीज सर शेयर कीजिए। सर मेरा नाम जयव्रत है, मैं स्टूडेंट हूँ अभी, और मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे को आईबीएस की बीमारी हुई इसी जर्नी के दौरान हुई, जो मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। और क्या नाम है, ये लास्ट अराउंड अब तो 2 ईयर्स हो गए मेरे को इससे सफर करते हुए। तो मैंने पहले तो स्टार्टिंग में ये बिगिन हुई एच पाइलोरी इन्फेक्शन के थ्रू। एच पाइलोरी हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद वो तो इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, पर उसके बाद ये एसिडिटी, गैस वगैरह की दिक्कत कंटिन्यू रही। तो मैंने और भी एलोपैथी में डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथी में भी दिखाया, इवन एक्यूप्रेशर में भी मैंने ट्राई किया, ठीक है, पर किसी से आराम नहीं हुआ। तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च मार रहा था, वो एल्गोरिथम यूट्यूब का, उसने आपकी वीडियो दिखा दी। बिल्कुल। तो मैंने सर्च किया, तो मैं स्टार्टिंग में मेरे को लगा ऑनलाइन है तो यकीन नहीं होता जी, ये भी दिक्कत होती है, पर ये 100% राइट है। तो एक बार ना मैं अपना सॉफ्टवेयर खोल लूं, और सॉफ्टवेयर इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि हर एक जो मेरा जितने लोग हमें ट्रीटमेंट ले रहे हैं आई हैव द एंटायर इन्फॉर्मेशन। जब हम आप आए थे सो ओवर थिंकिंग था, हल्की फुल्की एंग्जाइटी थी, ब्रेन फॉग था, एसिडिटी हुआ करता था, गैस था, कॉन्स्टिप्यूशन रहा करता था, ये हमें इश्यूज थे। तो अगर मैं इन इश्यूज के ऊपर बात करूँ अब और पूछूँ आपसे कि इन इश्यूज में कौन सा इशू खत्म हो गया, कौन कितना रह गया, कितना परसेंटेज रह गया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इशू लाइक गैस, एसिडिटी, तो मोर देन अराउंड 100% करेक्ट, जीरो अभी नहीं होती मेरे को, बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिपेशन हेयर देयर कोई ज्यादा नहीं होती, कभी कभार तो मुझे भी हो जाती है। हाँ, वो तो हर इंसान को हो जाती है, कोई भी इंसान हो छोटी मोटी तो हो जाती है। उसके अलावा ओवर थिंकिंग बहुत हद तक कम कर दी है मैंने, बहुत बढ़िया। ओवर थिंकिंग ज्यादा दिक्कत नाइट्स को आती है, जब सोने जाते हैं ना उस टाइम दिन भर के ख्याल वो घूमते हैं, तो वो बहुत हद तक मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। एंग्जाइटी हल्की फुल्की थी वो खत्म हो गई है, और उसके अलावा ब्रेन फोगिनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सप्लीमेंट वगैरह यूज किया आपने? कुछ जो सप्लीमेंट्स आपने प्रोवाइड किए थे वो यूज किए, कैसा रिस्पॉन्स रहा? बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो गाइस कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे खुद के बनाए हुए हैं स्पेशली फॉर आईबीएस पीपल, और मैं चाहूंगा इस वीडियो के अंदर हमारे काउंसलर रोशनी हमें बोलना मैम एक बार जो हमारे सप्लीमेंट्स है स्ट्रेस केयर, डाइजेशन बूस्टर, एक बार लेके आइए, आई वांट टू सी, आई वांट टू शो द ऑडियंस एज़ वेल, ले आइए एक बार। तो कैसा रिस्पांस रहा उसका आपका सप्लीमेंट्स का? रिस्पांस अच्छा रहा, क्योंकि एक तो बॉडी को थोड़ा एकस्टम होने में टाइम लगता है डाइट के हिसाब से, क्योंकि डाइट हम ले नहीं रहे होते। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में तो वेट रिड्यूस हुआ, और उसके बाद एकस्टम कर लिया बॉडी ने। वेरी गुड। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं रियल वीडियो आपके सामने सर बैठे हैं, वीडियो बन रही है, और अभी मैंने अपने काउंसलर रोशनी को बोला है कि सप्लीमेंट लेके आइए वेयर हाउस से, और दिखाइए ऑडियंस के अंदर के ऑडियंस को दिखाइए कि जो सप्लीमेंट्स है वो है क्या और कैसे काम करते हैं। तो जयव्रत मुझे भी बताइए, जो आपको लोग देख रहे हैं इनको लगता है कि आईबीएस का ट्रीटमेंट, पहली बात तो दो क्वेश्चन है, इनको लगता है कि आईबीएस का ट्रीटमेंट ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इनको लगता है कि आईबीएस ठीक नहीं हो सकता, जिंदगी भर के लिए वैसी रहेंगे ये, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? मेरे को भी यही लगता था आईबीएस का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, और एलोपैथी डॉक्टरों ने भी यही बताया था, पर अब मेरी लास्ट 2 मंथ्स में कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और जो इरिटेशन वगैरह दिक्कत आती थी अब बहुत कम हो चुकी है। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने सुना जैसे सर ने क्या कहा कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा।
तो जयवर्त सर एक बात बताइए, ये जो IBS के अंदर बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं, और अभी मेरे पास मेरा फ़ोन तो नहीं है लेकिन दिखाता आपको, उसके अंदर YouTube पे कमेंट आते हैं हमारे पास कि सर हमें IBS है और हम चाहते हैं कि हमारी हम मर जाएं, सुसाइड कर लें, ऐसे कमेंट्स हमारे पास आए दिन आते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, हाउ यू कैन मोटिवेट देम? प्लीज जस्ट ट्रस्ट सर एंड एवरीथिंग विल गो राइट। राइट, सो जैसे कि आप देख रहे हैं जबरत, ये आपने यूज किया था, बिल्कुल कैसा लगा ये स्ट्रेस केयर? सर अच्छा प्रोडक्ट है, वेरी गुड। ये हमारा मसल बिल्डर है, मसल बिल्डर भी यूज किया मैंने। यूज किया आपने, वेरी गुड। आपने वेट गेनर यूज किया था? ये वेट गेनर यूज किया था, किया था आपने, ये यूज किया आपने। एंड डाइजेशन बूस्टर, डाइजेशन बूस्टर यूज किया मैंने, किया था। कैसा रिस्पांस रहा आपका इन सब चीजों का? बिल्कुल, फर्स्ट मंथ में तो ये थोड़ा सा लगता है क्योंकि अभी ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, पर सेकंड मंथ में बिल्कुल बॉडी रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करती है। ये पता है, मैं आपको बताता हूँ, आपको जितने IBS के पेशेंट्स हैं आपने ध्यान दिया होगा, वो मल्टीविटामिन खाते हैं उनको पछता नहीं है, उनको मल्टीविटामिन से गैस बननी शुरू हो जाती है। और ये मेरा तजुर्बा है 15 साल का कि IBS का पेशेंट जो है, अगर वो किसी केमिस्ट की शॉप से बाहर से मल्टीविटामिन ले रहे तो पछता नहीं, गैस बन रही है, लेकिन जहां पे हमारे मल्टीविटामिन हैं इनसे गैस नहीं बनती। ऐसा क्यों? आपने इस, आपको याद था जब आप आए थे, मैं तब भी कहा था आपसे कि सर जो मल्टीविटामिन खाते हो क्या गैस बनती है? गैस बनती है, लेकिन हमारे मल्टीविटामिन गैस क्यों नहीं बन रही? सर इसके अंदर ना मैंने बनाया है IBS को ध्यान रखते हुए और हर्ब से ड्राइव किया, कोई केमिकल नहीं, हर्ब से ड्राइव किया। दूसरा बनाया इस तरीके से गया है, मुझे पता है कि इसके अंदर क्या चीज ऐसी है जो आपको IBS के रोगी को दिक्कत देती है, क्या नहीं देती, उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया, उस हिसाब से। yes. अब गैस बना इससे नहीं। और जितने IBS के पेशेंट हैं, अगर वो मल्टीविटामिन खाते हैं ना, आप भी पहले खाया करते थे, और उससे गैस बनती है, उससे गैस, हर IBS के वॉरियर को गैस बनती है। और ये ट्राई किया था आपने मसल बिल्डर PM? PM नहीं किया। बेसिकली ये उन लोगों के अगर आप नींद नहीं आती, अगर वो दिक्कत होती नींद का, उनके लिए इशू है, उनके लिए है सप्लीमेंट ये वाला। सो थैंक यू रोशनी मैम, थैंक यू। सो जयवर्त क्या बोलना चाहोगे उन लोगों को जिनको डिप्रेशन है, जिनको जो कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? जस्ट ट्रस्ट सर एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। क्या बात है, जबरदस्त, जस्ट ट्रस्ट सर एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि अगर आपको लगता है कि सुसाइड आपका सॉल्यूशन है, तो मैं बोलूंगा आप एक लूजर हैं। आप सोचिए अपने माँ बाप के बारे में जिन्होंने पैदा किया आपको। कई सारे जयवर्त बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास, अकेले हैं घर में, माँ बाप जो है उन पर डिपेंडेंट है, और बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। ये दिक्कत ज्यादा उनको होती है जो अकेला रह जाता है, वो ज्यादा बात नहीं करता। हाँ। बात नहीं, अब माँ तो एज पर डिफरेंस हो चुका है, बात नहीं करता। तो आपको बात करनी है तो जरूर बात कीजिए, अपना कोई साथी ढूंढिए, हमें फोन कीजिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए। बात करने का कोई चार्ज थोड़ा होता है, तो फ्री है, बात कीजिए, कस्टमर केयर है, घुमाइए फोन, बात कीजिए, बात करने का क्या जा रहा है, अपना दुख दर्द शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि एक बार दुख दर्द शेयर करके बहुत राहत मिलती है और दिमाग शांत हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सुसाइडल थॉट्स अगर दिमाग में आ रहे हैं तो ये मत सोचिए, बहुत ही नकारात्मक सोच है, और ये सोच है एक लूजर का, जो कि आपको नहीं करना चाहिए और इससे बहुत दूर रहना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो आपको। बहुत समय बाद मैंने बनाया कॉफ एंड टेस्टिमोनियल, तो कुछ गलतियां होगी तो माफ कीजिएगा, वो आदत पड़ गई है ऑनलाइन बात करने का और ऑनलाइन टेस्टिमोनियल बनाने का। आज बहुत टाइम के बाद जयवर्त जी आए, और अभी हम टेस्टिमोनियल के बाद हम बैठेंगे, बात करेंगे, सर थोड़ा पियेंगे नींबू पानी, मैं पीऊंगा अपना कॉफी वगैरह, एंड विल डिस्कस के आगे क्या करना है। थैंक यू एवरीवन, जयवर्त जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।